सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीएमसी मशीन में यूज होने वाले टूल्स के जो है आरपीएम, फीड और कटिंग स्पीड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं आपको जो है पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वीएमसी मशीन में जो टूल यूज़ होते हैं उनका आरपीएम कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सीएनसी टर्निंग मशीन के जो आरपीएम कैलकुलेशन मेथड से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक एंडमिल है और इस एंडमिल की खास बात यह है कि जो है इसको जो है 60 HRC तक के मटेरियल पे जो है हम मशीनिंग कर सकते हैं। यानी कि 60 HRC का अगर कोई मटेरियल है उसके ऊपर अगर हमको मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम जो है इस टूल का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसके कैलकुलेशन का जो मेथड है उसमें आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो है टूल के जो फ्लूड्स होते हैं, ये जो है फ्लूड्स होते हैं, ठीक है, और इसके बाहर जो है नंबर ऑफ टूथ्स यानी जितने कटिंग एजेस होंगे इसके, ठीक है, वो जो है नंबर ऑफ टूथ कहलाएंगे। ठीक है, या इसको नंबर ऑफ फ्लूट से भी काउंट किया जाता है। तो वीएमसी मशीन में क्या होता है कि मल्टी कटिंग टूल यूज होता है, तो जितने कटिंग एज होंगे या जितने फ्लूट्स होंगे उनको हम जो है इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 4 फ्लूट का जो है एंडमिल है और इसमें नंबर ऑफ फ्लूट्स जो है 4 हो गई। ठीक है, तो अब हम जो है फॉर्मूले में इसको रखेंगे और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वीएमसी मशीन का जो कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला है वो सेम रहता है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो है इसका जो डी है, ये जो डी वैल्यू है ये वर्कपीस का डाया ना हो करके ये जो टूल है जिस डाया का टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो है डाया हमको यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप जो है पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 इंटू डाया जो रहेगा आपके टूल का वो रखना है, एन जो है आरपीएम, जो आरपीएम आपको दिए रहेंगे इसके अलावा जो है आपको उसको 1000 से डिवाइड कर देना है तो जो है आपको कटिंग स्पीड मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि सीएनसी टर्निंग मशीन में जो है मैन्युफैक्चरर आपको कटिंग स्पीड प्रोवाइड कराता है, लेकिन वीएमसी मशीन का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको आरपीएम और फीड पर टूथ, यानी कि पर टूथ आपको जो फीड पड़ रही है, ठीक है, वो वैल्यू आपको बताता है। ये जो है पैरामीटर में आपको दिया रहेगा कि पर टूथ आपको कितना फीड देना है वो चीज़ आपको दी रहेगी। इसके अलावा जो है आपको आरपीएम दिया रहेगा कि कितना आरपीएम जो है आप इस टूल के साथ जो है किस मटेरियल ग्रेड के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से प्रोवाइड कराता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है कार्बन स्टील, अलॉय स्टील और टूल स्टील और डाई स्टील, ये जो है मटेरियल की ग्रेड दी हुई है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है अंडर HRC 30, मतलब कि 30 HRC से जो नीचे की जो हार्डनेस होगी उसके लिए जब आप ये टूल यूज करेंगे तो उसमें आपको RPM जो देना है, ये देखिए रोटेट स्पीड लिखा हुआ है, ये आपका RPM है। ठीक है, तो RPM जो दे सकते हैं आप 20,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, और यहाँ पर दिया हुआ है टूल का डाया, अगर डाया जो है आपके टूल का 1 mm का है तो ठीक है, अगर आपका 10 mm का है तो देख लीजिए यहाँ पर D10 में देखिए 4200 जो है आप RPM यूज कर सकते हैं D10 के लिए। ठीक है, और फीड दिया हुआ है mm per T, देखिए mm per T का मतलब है mm per tooth, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा mm per turn नहीं है, ये mm per tooth दिया हुआ है। टूथ का मतलब होता है कि एक टूथ पे जो है आप कितना डेप्थ यानी चिप लोड देंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक टर्न में आप एक कट पे, यहाँ पर आपको मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना होगा, यानी कि जो आपका टूल है
उसके अंदर जो है नंबर ऑफ कटिंग एजेस हैं, ठीक है, उन कटिंग एजेस में से पर टूथ यानी हर एक टूथ पे जो है कितना डेप्थ आप दे सकते हैं एक टर्न में, ठीक है, वो वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए एमएम पर टूथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.04 ये जो वैल्यू दी हुई है ये जो है आपका एमएम पर टूथ है, यानी कि एक टर्न में जो है एक टर्न में 0.04 जो है एमएम आपका जो है पर टूथ पे लोड पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न पांच है तो पांच पे जो है आप टोटल करेंगे तो 0.05 × 5 कर देंगे, ठीक है, तो ये टोटल का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है यहां पर दूसरी चीज दी हुई है, इसी तरह से ये दूसरी टेबल है, इसमें देखिए एलॉय स्टील, टूल स्टील, डाई स्टील जिसकी हार्डनेस जो है 30 और 35 HRC के बीच में है, ठीक है, तो वहां पर देखिए डाया 10 का देख लीजिए 2500 जो है आपको आरपीएम मिलेंगे। इस आरपीएम पे जो है आप अपने टूल को रोटेट करा सकते हैं और आपको जो पर टूथ जो है चिप लोड मिलेगा 0.04, ठीक है, सेम है इसमें आप जो है सेम लोड पे इतने आरपीएम पे जो है आप रोटेट करेंगे, यानी कि आरपीएम आपका रिड्यूस हो गया। और देखिए एचआरसी 35 से 40 के बीच में देख लीजिए डाया 10 पे देख लीजिए 2300 RPM आपको मिलेगा और जो है चिप लोड जो है आपको सेम रहेगा, ठीक है। वहीं देखिए HRC 40 से 50 के बीच में जो है आपको 2000 RPM मिल जाएंगे और सेम चिप लोड आपको मिलेगा। वहीं देखिए HRC 50 से 60 के बीच में आप अगर देखेंगे तो आपको जो है 900 से 1000 RPM जो है वैल्यू मिल जाएगी और इसमें जो है आपको चिप लोड मिलेगा 0.08, ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। आरपीएम में जो है आप 5 से 10% जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतना टॉलरेबल रहता है, ठीक है। तो वीएमसी मशीन में जो है 5 से 10% जो है आरपीएम में जो है चल जाता है, अगर आप मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए करेंगे, एंडमिल के जो है मिलिंग ऑपरेशन के लिए आप जो है ये यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि जी ये जो वैल्यू आपको इस तरह से दी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है इसका यूज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। फीड रेट जो है निकालना है, ठीक है, फीड रेट आपको दिया हुआ है पर टूथ, ठीक है, और यहां पर फीड रेट आपको दिया हुआ है पर टूथ में, तो आप जो है मीटर पर मिनट में कैसे निकालेंगे इसका जो है फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे जो है आप इसमें फीड रेट निकाल सकते हैं। VF इक्वल टू FZ इंटू Z इंटू N, ये जो फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे FZ क्या है, FZ है ईच ब्लेड फीड, यहाँ पर देखिए ईच ब्लेड फीड दिया है, इसका मतलब यह है कि आप जो है पर टूथ जो फीड आपको मिल रही है, पर टूथ चिप लोड आपको मिल रहा है वो वैल्यू आप यहां पर रखेंगे, ठीक है। जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लूट्स यानी कितने फ्लूट्स जो है उस टूल के अंदर है, तो यहां पर देख लीजिए 4 फ्लूट का जो है ये टूल है आपका, तो यहां पर 4 रख दीजिए। एन क्या है, आरपीएम, किस आरपीएम पे जो है आप रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेता हूं और पूरा जो है कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं आपको जो है कैलकुलेटर से पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि क्या क्या वैल्यू आपको जो है यहाँ पर रखनी है। देखिए फीड रेट हमको निकालना है मीटर पर मिनट में, ये वैल्यू जो है हम प्रोग्राम में डालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, VF इक्वल टू FZ, FZ की वैल्यू देखिए निकालिए हम, 10 डाया का जो है हमारा ये देखिए यहाँ पर 10 डाया का जो है एंडमिल है, इसमें आप जो है ये देखिए कि HRC कौन सी ले रहे हैं, हम जो है HRC ले रहे हैं HRC 50 से 65 के बीच में जो HRC है इसको जो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमको RPM मिल रहा है 900 RPM मिल रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लूट्स जो है हम इसके 4 कंसीडर कर रहे हैं और पर टूथ आपको जो लोड मिल रहा है 0.08 है, तो आप देखिए 0.08 × Z, नंबर ऑफ फ्लूट्स कितने हैं हम 4 मान के चल रहे हैं, ठीक है, इनटू
जो आपका आरपीएम आ रहा है वो 900 आरपीएम आ रहा है, ठीक है? तो यहां पे हम 900 लिख देंगे, ठीक है? उसको डिवाइड करना है किसी से, नहीं करना है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 288, 288 मीटर पर मिनट, ये आपका जो है फीड रेट है, ठीक है? आरपीएम आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि आरपीएम जो है आपको वैल्यू मिली हुई है। तो ये आपको जो है चार्ट में मिल जाएगा कि किस आरपीएम पे आपको अपने टूल को रोटेट कराना है। तो कटिंग स्पीड आप निकाल सकते हैं कि क्या कटिंग स्पीड जो है हमारे पास रहेगी, तो उसको जो है इस फॉर्मूले में आप रख सकते हैं। तो कटिंग स्पीड के लिए क्या करेंगे आप, कटिंग स्पीड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई डाया, डाया जो है आपने कितना लिया है 10 डाया, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू यहाँ पे आपको जो है n, आरपीएम आपको कितना मिल रहा है 900, ठीक है? तो 900 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है? तो यहां पे देखिए 28.26 ये जो है आपको कटिंग स्पीड मिल रही है, 28 मीटर पर मिनट की जो है आपको कटिंग स्पीड मिल रही है। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका वीएमसी मशीन में जो एंडमिल यूज होता है उसको आपको जो है नंबर ऑफ फ्लूट्स देखने हैं, पर टूथ जो है आपका चिप लोड कितना आ रहा है, और आरपीएम जो है कितना मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है कि इस आरपीएम पे आप जो है इस मटेरियल ग्रेड के लिए रोटेट करा सकते हैं। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, चार्ट से मिलेगा। और ये चार्ट आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको जो है इस डेटा को अपनी ऐप सीएनसी कैडकैम एकेडमी ऐप में जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं जो है इसको फेसबुक पेज, जहाँ पर सीएनसी कैडकैम एकेडमी के नाम से जो है हमारा पेज है और ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है इसका डेटा ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।